हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दो और छतें हैं यहाँ पे, हम उनका शायद अभी उतारते हैं। अभी शायद आपको ये छत्ता नज़र ना आ रहा हो, मैं आगे से पत्ते साफ करता हूँ, फिर आपको ये छत्ता बिल्कुल नज़र आएगा। हाँ जी अब आपको छत्ता नज़र आ रहा होगा, ये तो इससे भी अभी हम शायद हासिल करेंगे। हाँ जी यहाँ से शाख ये रिमूव कर लेते हैं, ये सामने रुकावट डाल रही है। ये इस जगह पे इन्होंने शायद बनाया है, आगे वाला ये वाला हिस्सा भी खाली है, इस जगह पे शायद है, तो ये हम अभी हासिल करते हैं। ये वाला हिस्सा खाली है, इसको हम छोड़ देंगे, इधर वाला शायद सिर्फ इसी जगह पे है, तो हमने ये वाला हिस्सा काटना है। ये देखें ये शायद वाला हिस्सा, शायद आपको नीचे टपकता हुआ दिखाई भी दे रहा है, ये वाला शायद ऐसा था नाज़रीन, ये हमने उतार लिया। अब हम इसी के साथ एक और शायद का छत्ता लगा हुआ है, शायद यहाँ से आपको नजर आ रहा हो वो सामने, तो वो अब उतारते हैं। ये देखें नाजरीन ये है दूसरा छत्ता, ये देखें ये दूसरा छत्ता, इसकी मक्खियाँ सारी मैंने धुएं की मदद से गायब कर दी हैं। अब इसका भी शहद उतारते हैं, इसका ये वाला हिस्सा शहद वाला ये हमने काटना है बस। ये हमने शहद वाला हिस्सा काट लिया, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखें एक छत्ता ये है और दूसरा छत्ता ये है, ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, तो दोनों से हमने शायद उतार लिया है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे हमारा चैनल लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखें बड़ी मेहनत वाला काम होता है, और आप जब भी इस तरह का कोई काम करना चाहें तो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अख्तियार कीजिए, क्योंकि ये जंगली शहद की मक्खियां हैं पहाड़ी, तो इनके डसने से बड़ा नुकसान हो सकता है। बाज़ जो जिन अफराद को एलर्जी होती है तो उनके लिए ये जानलेवा साबित भी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़।